अब कुछ आपने टेक्निकलिटीज़ की बात की है हम चाहते हैं कि हम हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं डेफिनेटली उनके जनम में सवाल होता है कि प्रोसेस है क्या अगर कैनेडियन इमिग्रेशन की बात करें कितना लंबा प्रोसेस है कितनी मुश्किल हैं फिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वैलिड करती हैं कि आप आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या शराइ पर पूरा उतरते हैं वो शराइ क्या क्या है ज़रा इस हवाले से भी थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा अच्छा इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं तकरीबन अस्सी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं आम, स्किल वर्कर कैटेगरी फेडरल लेवल के ऊपर प्रोग्राम्स हैं आम, बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं इसमें प्रोविंशियल लेवल के प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ इसके अंदर कैटेगरीज हैं और हर एक का अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया है तो जब भी आप अप्लाई करते हैं तो पहले तो इस बात को परख लेते हैं कि आपका असेसमेंट पॉजिटिव है या नहीं मुख्तलिफ एरियाज में आप क्वालिफाई कर सकते हैं इवन आप स्टूडेंट के तौर तो पर आकर के इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं तो जब भी कोई हमसे रब्ता करता है तो हम उसको ये बताते हैं कि पहले तो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट के बनाए हुए असमेंट रूल्स के हिसाब से आप क्वालिफाई कर रहे हैं यानी और अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप प्रोसीड कीजिए